खलारी कोयलांचल इलाके से सटे सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र में 64वां वार्षिक खनन सुरक्षा सप्ताह का पुरस्कार वितरण समापन समारोह 7 मई को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर पिपरवार प्रबंधन की तरफ से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस पुरस्कार वितरण समारोह को लेकर पिपरवार कोयलांचल इलाके के बसरा 4 नंबर मैदान में भव्य पंडाल तैयार किया गया है, जहां मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के अलावा दूसरे अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस पंडाल का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। खलारी कोयलांचल क्षेत्र के सीसीएल पिपरवार क्षेत्र में 64वां वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का पुरस्कार वितरण सह समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सीसीएल पिपरवार प्रबंधन के द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पिपरवार क्षेत्र में आकर्षक पंडाल तैयार किया गया है, जहां अतिथियों को बैठाया जाएगा और उन्हें पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। अतिथि के द्वारा जो सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले हैं या अन्य खदान क्षेत्र जो भी सेफ्टी वीक में स्थान प्राप्त किए हैं, उन्हें पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इस तैयारी को लेकर इस समय पिपरवार क्षेत्र में सीसीएल के कई अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम का महत्व क्या है और इस कार्यक्रम को किस आधार पर और किसके जरिए किया जा रहा है। जी, आप सेफ्टी ऑफिसर मुकेश तोसान साहब हैं, आप बताइए कि यह जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और यह कार्यक्रम क्या है? मैं पहले पिपरवार के जितने भी अपने सदस्य हैं, अपने पिपरवार क्षेत्र के वासी हैं, उन सबको इसके लिए आमंत्रित करता हूँ। ये प्रोग्राम एनुअल सेफ्टी वीक जो हर माह से मनाया जाता है, उसका फाइनल डे फंक्शन है, मतलब उसका अवार्ड जो है, कौन सा कैटेगरी में कौन सा माइन फर्स्ट रहा, सेकंड रहा, थर्ड रहा, पूरा सीसीएल है उसमें। उसके अलावा एनटीपीसी हिंडालको और जीएसएमडीसी माइन जितना भी माइन है, उन सब में कैटेगरी वाइज प्राइज दिया जाएगा और उसका समापन समारोह होगा कल। देखिए, तो इनका कहना है कि जो उद्गम जो कार्यक्रम है, जो भी कैटेगरी के हिसाब से उनको तय किया गया है, उनका पुरस्कार वितरण इस कार्यक्रम में किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अन्य अधिकारी हल्दर जी भी हैं, आप बताइए कि इस कार्यक्रम को लेकर, यह पिपरवार में 10-11 वर्षों के बाद हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं कि यह जो माहौल मेला टाइप का माहौल लग रहा है? तो पहले तो हम फॉर्चुनेट है कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम को होस्ट हम लोग को मौका मिला है पिपरवार एरिया को करने के लिए। इसमें विशिष्ट अधिकारी लोग भी उपस्थित रहेंगे, डीजीएमएस से डीडीजी साहब लोग रहेंगे, सीएमडी साहब उपस्थित रहेंगे और कल्चरल प्रोग्राम रहेगा, रंगारंग प्रोग्राम भी रहेगा प्राइज सेरेमनी के साथ।